हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BMJNB क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर फाइव के क्वेश्चन नंबर 38 से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बने रहें क्लास में एंड तक। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन सही टाइम शाम को 7 बजे आपके पास में पहुँच जाना चाहिए। क्योंकि बेटा, आपकी शाम को 7 बजे डेली क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो थोड़ा टाइम निकाल कर फ्री होकर बैठिएगा। नवोदय में अगर सिलेक्शन चाहते हो तो 45-50 मिनट की आपकी क्लास अटेंड करनी होगी। अगर आपने अटेंड कर ली तो सिलेक्शन आपका यहीं से होने वाला है, ध्यान रखना। अगर आप भी टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपके लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। क्या टेलीग्राम लिंक करके होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। यहां पर आपके लिए बहुत जल्द हो सकता है, इस संडे को आपका टेस्ट हो सकता है। जो पढ़ाया गया है वही आएगा, जितने मेंटल एबिलिटी वाले पार्ट कंप्लीट कराए गए हैं, कवर कराया गया है, उन्हीं में से आपके लिए मेंटल एबिलिटी का पार्ट, मैथ्स वाला पार्ट, और हो सकता है 1 या 2 दिन के अंदर मैं आपके लिए लैंग्वेज वाला पार्ट भी समझा दूँ। उसके बाद में संडे को आपका टेस्ट हो सकता है। तो सभी बच्चे तैयारी करते रहें, वही आएगा जो मैंने पढ़ाया है, उन्हीं चैप्टर में से आपके लिए सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो ध्यान रखो, तैयारी अच्छी होनी चाहिए, नंबर किसी के भी कम नहीं होने चाहिए। जिसके नंबर आएंगे, यहाँ पर लिस्ट आपकी तैयार की जाएगी, जितने देखते हैं किस स्टूडेंट कितने नंबर आते हैं, यहाँ पर लिस्ट जब नेक्स्ट क्लास होगी आपके लिए यहाँ पर शो किया जाएगा कि टॉपर कौन है इस क्लास का, ठीक है। तो सभी के लिए भाई अभी से तैयारी में जुड़ जाना है। क्वेश्चन वही आएंगे जो आपके भाई कराए गए हैं, उन्हीं के तरह क्वेश्चन आएंगे। जो पांच चैप्टर का आपका पूरा टेस्ट होगा मैथ्स का, और मेंटल एबिलिटी में हमने सिमिलर फिगर के लिए कराया है, और हमारा कंप्लीट फिगर के लिए, और ऑड जिसमें क्या है एक डिफरेंट फिगर होता है वो अलग रहा है। 3 टाइप्स के फिगर कराए हैं वो आपके लिए देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए टेलीग्राम पर जो भी मेटेरियल होगा 2023 जवाहर नवोदय विद्यालय रिलेटेड, वो आपके लिए बेटा यहीं पर देखने के लिए मिलेगा। ऑलरेडी 4 चैप्टर की हम PDF आपके लिए यहाँ पर सेंड कर चुके हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप हमसे कोई डाउट है, कोई समस्या है, यहाँ से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सभी बच्चे अपने दोस्तों के लिए जो जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन्हें शेयर कर दीजिएगा, और उनको जल्दी से जोड़ो। सभी बच्चे देखते हैं कितने बच्चे कितनों को जोड़ते हैं, यहाँ पर टेस्ट जो होगा देखते हैं उसका टॉपर कौन बनता है। जल्दी से सभी बच्चे इसलिए शेयर कर दें। चलो स्टार्ट करें आज की क्लास के लिए। तो हमने कहाँ तक कर लिए थे बेटा, हमने क्वेश्चंस के लिए कर लिया था क्वेश्चन नंबर 37 तक हो गए थे, ठीक है, और 38 से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखो, आपके सामने क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 121 342 एंड 415 लीव्स रिमाइंडर 10, 9 एंड 8 रिस्पेक्टिवली विल बी। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 37, 121, 342 और 415। और यही है, ठीक है, को भाग देने पर क्रमशः 10, 9 और 8 क्या बचते हैं बेटा, शेष बचते हैं। 10, 9 और 8 क्या बचते हैं बेटा, शेष बचते हैं। अब सुनना ध्यान से, देखो कुछ क्वेश्चन इस तरह के होंगे जिसमें आपके लिए उस क्वेश्चन में देखो पहचान करनी है आपके लिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए क्या करना है, ध्यान से पढ़ लो, क्वेश्चन से जान पहचान कर लो। क्वेश्चन जान पहचान हो गई तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर दोगे। कैसे कर दोगे, तो इस क्वेश्चन से जान पहचान करनी है। कैसे जान पहचान आपकी ऐसे होती है, जब आपके लिए बार बार क्वेश्चन को पढ़ोगे तो जान पहचान हो जाएगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 121, 342 और 415 को भाग देने पर क्रमशः 10 शेष बचता है। एक संख्या जो ऑप्शन दे रखे हैं, ध्यान से सुनना सभी बच्चे, देखो ए ऑप्शन है आपके सामने 37, बी ऑप्शन है आपके सामने 111
सॉरी 74 है बेटा, 74, 111 और डी ऑप्शन है 3। ठीक है, अब सुनो, इनमें से एक संख्या ऐसी होगी, ये ऑप्शन दे रखे हैं, कह रहे हैं ऐसी कौन सी संख्या है इनमें से कि अगर हम इसके लिए भाग करें, इनमें से एक संख्या बेटा ऐसी होगी जिससे अगर हम इसके लिए भाग करें तो 10 शेष बचे, अगर उसी संख्या से इसके लिए भाग करें तो 9 शेष बचे, और उसी संख्या से इसके लिए भाग करें तो 8 शेष बचे। तो इन चार ऑप्शन में से, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बेटा एक संख्या ऐसी है जिससे हम इसे भाग करें तो ये शेषफल बचे, ये इसे भाग करें तो रिमाइंडर इतना बचे, इसे भाग करें तो रिमाइंडर हमारा इतना बचे। ठीक है, तो एक मेथड ये है जो ऑप्शन से आप करोगे। कैसे? सबसे पहले इससे इसे भाग करके देख लो, अगर 10 शेषफल आता है, 10 रिमाइंडर आता है, इट्स मीन्स बिल्कुल सही है। इससे इसे भाग करके देख लो, अगर 9 रिमाइंडर आता है, बिल्कुल सही है। इससे इसे भाग करके देख लो, अगर 8 शेषफल आता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। अब मान लो कि 37 से ये वाले दोनों हो रहे हैं और ये वाला क्या है, डिवाइड करने पर 9 नहीं आ रहा। देखो, तीनों होने चाहिए, तीनों कंडीशंस को फुलफिल करना चाहिए, सेटिस्फाइड करना चाहिए। अब यहाँ पर 37 क्या है, 37 से तीनों संख्याएं को हम डिवाइड करें तो 10, 9 और 8 शेषफल आ जाता है, इट्स मीन 37 हो जाएगा। अगर इनमें से मान लो एक संख्या को भाग करने पर शेषफल उसका मान लो 10 नहीं आया तो हमारा क्या हो जाएगा, 37 रॉन्ग हो जाएगा। तीनों की जो कंडीशन है उसके लिए संतुष्ट करना चाहिए, सेटिस्फाइड करना चाहिए। बात क्लियर हो गई? तो इसी तरह से 74 से करके देखोगे, फिर 111 से करके देखोगे, फिर 3 से करके देखोगे। इसका मतलब 37 से करोगे तो तीन बार भाग करना पड़ेगा, तीन बार इससे, तीन बार इससे, तीन बार इससे, तीन बार इससे, कितनी बार हो गया, 12 बार आपके लिए डिवाइड करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम ये वाला मेथड अगर आप करना चाहते हो तो इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर टाइम आपके पास में रहता है तो इससे भी कर सकते हो। चलो अब हम थोड़ा आसान वाला मेथड सीख लेते हैं जिसमें ज्यादा हमें डिवाइड ना करना पड़े। ठीक है, तो भाई आपके लिए ये वाला मेथड पसंद आया, फर्स्ट वाला या ना, यस और नो का जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, यस या नो। ठीक है, देखो दो दो मेथड मैं बता रहा हूं आपके लिए, जो बेस्ट लग रहा है उससे भाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर दोनों से आ जाएंगे। बस यही रहता है बेटा, थोड़ी टाइम की प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, कभी कभार क्या हो जाता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उसमें टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, तो आपके पास में टाइम क्या होता है, लिमिटेड बेटा टाइम होता है। टाइम कितना होता है, 2 आवर्स का। अब 2 आवर्स में कुछ क्वेश्चन बेटा ऐसे होंगे जो बहुत कठिन होंगे, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम देना भी पड़ेगा। तो जो हमें क्वेश्चन भैया इजी मेथड से आता है उसी से हम कर लेंगे, जिससे क्या है हमारे पास टाइम बच जाएगा, और उस टाइम का यूटिलाइज कहाँ कर लेंगे हम, बड़े बड़े क्वेश्चन में जो हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग लगा लेंगे उसमें, ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा हमारे टाइम। चलो अब देखो क्या करना पड़ेगा, संख्याएं दे रखी हैं, कह रहे हैं ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 121 को, 342 को और 415 को भाग देने पर 10, 9 और 8 शेष बचता है। तो कुछ मत करो, जो संख्याएं दे रखी हैं उनको ऊपर लिख लो। लिख लिया, लिख लोगे जल्दी से बताओ, लिख लोगे, बिल्कुल लिख लोगे, तो यहां पर लिख लिया। अब उसके नीचे जस्ट शेषफल वाला पार्ट लिख लो, जैसे मैंने यहां पर लिख लिया, जैसे 121 का शेषफल क्या है 10, 342 का क्या है 9 और 415 का क्या है 8। कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट होगा कि सर यहाँ पर 10 जरूरी थोड़ी है कि इसका शेषफल हो सकता है इसका शेषफल हो। तो मैं आने आपके लिए एक बार नहीं, इससे पहले भी एक बार बताई है कि यहाँ पर संख्या दर्ज की है तो पहले नंबर का शेषफल किसका होगा, पहली वाली संख्या का होगा। दूसरा वाला शेषफल किसका होगा, दूसरी वाली संख्या का होगा। तीसरा वाला शेषफल किसका होगा, तीसरी वाली संख्या का होगा। तो उसके जस्ट नीचे उसके लिए लिख दो। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब क्या करना पड़ेगा हमारे लिए, अब वो आगे देखो आप, तो तुरंत क्या करना पड़ेगा, अब माइनस कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, और 121 से करोगे तो कितना आएगा, 111 आएगा। ठीक है, इससे माइनस करोगे कितना आएगा, 333 आएगा। इससे माइनस करोगे कितना आएगा, 407 आएगा।
सुनना ध्यान से, यहां तक किसी का कोई डाउट समस्या हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, सर हमें यहां पर समझ में नहीं आया। समझ में आ गया तो जल्दी से एक बार लाइक का बटन दबा के सभी कमेंट सेक्शन में थम्स अप करके लाइक का बटन दबा के सभी जल्दी से शो कर दो कि हाँ जी सर बिल्कुल हमें समझ में आ गया, जल्दी से सभी करो। ठीक है, तो हमारा काम क्या था, हमने यहां पर माइनस कर लिया इन सभी के लिए। अब हमें ये वाले पार्ट से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। अब हमने संख्या क्या क्या निकाल ली, 111, 333 और हमने 407, ये नंबर्स को निकाल लिया। बात क्लियर हो गई। अब हमें इतने पार्ट से कुछ मतलब नहीं है, ये वाला पार्ट से, हमें ये वाला पार्ट दिख रहा है ये हमने यहाँ पर लिख लिया, इससे मतलब है। अब क्वेश्चन पे तुरंत पहुंचो सभी बच्चे, क्वेश्चन को तुरंत पहुंचो और रीड करो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी, ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, याद आ रहा है कुछ, जल्दी से बताओ याद आया, किस किस को याद आया जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, जल्दी से क्या याद आ रहा है। सर आपने कहा था बड़ी से बड़ी की जहां पर बात आएगी वहां पर क्या होगा, सर क्या होगा, सर आपने बताया था वहां पर सर HCF निकलता है, बिल्कुल बिल्कुल सही हो, शाबाश। क्या आएगा, HCF निकलेगा, मतलब मासा निकलेगा, और 5% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें मासा नहीं निकलता है, वो मैंने कल आपके लिए बता दिया था। उस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आ जाएं तो उसमें आपका HCF नहीं निकलता है, वो कल मैंने डिटेल से आपके लिए समझा भी दिया है। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो हम क्या करेंगे यहां पर भाई, इनका HCF निकाल देंगे। भाई HCF बेटा कैसे निकलता है, सर आपने बताया था सबसे पहले जो नंबर दिख रहे हैं आपके लिए, जो क्वेश्चन में दे रखे हैं नंबर्स, उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो, सर किस में लगा लो, आरोही क्रम में लगा लो, सर आपने ये बताया है हमारे लिए तो बहुत अच्छे, शाबाश। लेकिन देखो बेटा आपका ऐसे भी हो सकता है, आप इससे इसे डिवाइड करोगे, ठीक है, इससे पहले ऐसे कर लो, इन दो संख्याओं को ले लो, हो सकता है, लेकिन कोई समस्या नहीं है। लेकिन क्या, अरे अगर असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे, आरोही क्रम में लगाओगे तो ज़्यादा आसान रहती हैं चीज़ें, ठीक है, और लगता भी है कि हाँ सिक्वेंस है, अच्छा क्वेश्चन है, दिखने भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देख लो, सबसे पहले हम इन दो संख्याओं को ले लेते हैं, तो 111 से बेटा अगर हम भाग करेंगे किसके लिए, 333 के लिए, ठीक है, सही है, तो यहाँ से 3 भाग चला जाएगा बेटा आपका, तो कितना आ रहा है, 111 आ रहा है। ठीक है, अब 111 से हम बेटा भाग के शुरू करेंगे 407 के लिए, तो 3 फिर चला जाएगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा 4। अब देखो हमने इन दो संख्याओं का निकाला, HCF तो कितना आया, 11 आया, और हमारे सामने एक संख्या और बची हुई है, तो हम जो HCF निकल के आया है ये वाला, इसका इसको लेंगे और इसको लेंगे, फिर हम कर देंगे कौन सा डिवीजन मेथड, तो यहाँ से बचेगा आपका 7। ठीक है, चलो आप फिर से देख लो करके, यहाँ से बचेगा आपका 7, यहाँ से 3, ठीक है 37 बचा। अब 37 से हम कैसे करेंगे, इसके लिए डिवाइड करेंगे 37 × 74, तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपका 37। देखो जल्दी से देखो ऑप्शन कौन से हैं, ऑप्शन 37, 74, 111 और 3, ये ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, और 37 एक संख्या ऐसी निकल कर आ गई। 37 से अगर हम इसके लिए भाग करें तो 10 शेषफल बचेगा, करके देख लो, 37 से अगर हम इसके लिए भाग करें तो हमारा 9 शेषफल बचेगा, करके देख लो, अगर विश्वास नहीं है, 37 से अगर हम इसके लिए भाग करेंगे तो 8 आपका रिमाइंडर बचेगा, करके देख लो अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो ये वाला जो मेथड है बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, सिंपल दिमाग में सोचो, जो संख्याएं दे रखी है उसके लिए नोट कर लो, कॉपी पर लिख लो, उसके बाद में जो शेषफल बचा हुआ है तो उसके लिए उनसे माइनस कर दो, फिर जो संख्या निकल कर आएगी उसका HCF निकाल दो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई, जल्दी से थम्स अप करके बताएं से बच्चे, जी सर एकदम से क्लियर है, हमें कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है। कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट लग रहा है, फर्स्ट वाला मेथड या सेकंड वाला, 12 बार डिवाइड करके देखोगे या आप सिर्फ एक बार ही करना चाहते हो, जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में, जी सर बिल्कुल क्लियर है, हमें कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़े, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई आगे बढ़े।
बढ़ना चाहिए आगे। और जो जो अभी सेशन में जुड़ा है, क्लास में जुड़ा है, सभी बच्चे उस क्लास को लाइक करके सब्सक्राइब कर लें। वन ऑफ द बेस्ट क्लास यहाँ पर दी जाएंगी जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए। अगर यहाँ पर पढ़ लिए तो सिलेक्शन भाई को रोकने वाला नहीं है, जो यहाँ पढ़ेगा सिलेक्शन भाई वो ही लेकर जाएगा। तो ध्यान रखो भाई, सभी बच्चों के लिए शेयर भी कर दो, और क्लास को अगर लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका जल्दी टेस्ट जो है अनाउंसमेंट होने वाला है। अगर आप नए अभी अभी जुड़े हो तो आपके लिए बताना चाहेंगे अगेन, आपके टेलीग्राम पेज को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो सभी बच्चे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर ले, BMGNB क्लासेस। लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दे दिया गया है। कोई भी PDF मिलेगी आपके लिए, वो यहीं पर आपके लिए सेंड की जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलरेडी 4 चैप्टर की हम आपके लिए PDF यहां पर प्रोवाइड कर रखी है, सभी बच्चे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, अभी अवेलेबल है टेलीग्राम पेज पर, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारी चीज़ों का चैप्टर जो कर चुके हैं हम लोग, उसका टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, सभी का लिंक बेटा क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, ठीक है। 38 क्वेश्चन पे जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन कौन कर लेगा, जल्दी से करो सभी बच्चे। बताओ भाई कितना आएगा इसका आंसर। बताओ जल्दी बताओ। और कुछ बच्चे हैं जिनका नाम है, जैसे विशेष गंगवार हैं, सैयद अंसारी हैं, और मोहम्मद हमजा करके हैं। कुछ बच्चे रेगुलर वीडियो को देखते हैं, क्लास को अटेंड करते हैं, और टाइम पर भाई वो आ जाते हैं, और कुछ का नेम मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। ये बच्चे भाई मेहनत कर रहे हैं, उनके मुझे उम्मीद है कि आपको जो टेस्ट लिया जाएगा उसमें मार्क्स भी इनके अच्छे आने वाले हैं। देखना इनके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। अगर आपके लिए विश्वास नहीं है तो टेस्ट जब होगा तब देख लेना आप लोग, ठीक है भाई। रेगुलर क्लास को जो अटेंड करेगा उसके लिए समझ में आएगा, और समझ में अच्छा आएगा तो भाई उसके नंबर भी अच्छे आएंगे, जाहिर सी बात है, आप जानते ही हो भी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 38 देखो। वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालिए जो 6, 8, 15, 24 से पूरी बट जाए। फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6, 8, 15 और 24। और ऑप्शन है बेटा आपके सामने 3500, 3600, 3700, 3800, ठीक है। ए ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन ये है, और सी ऑप्शन ये है, और डी ऑप्शन ये है, ठीक है। इसके भी दो मेथड हैं। देखो जब कॉपी में नोट किया करो बेटा आप, तो नीचे लिख लिया करो मेथड वन, ठीक है, फिर उसका क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर मेथड टू, फिर उसका क्वेश्चन सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन लिख दिया, इस तरह से कर लो। फिर जो आपके लिए बेस्ट लग रहा है उसको आप बार 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 प्रैक्टिस करते रहो, वो आसान लगेगा आपके लिए, ठीक है। बात क्लियर हो गई। चलो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, कह रहे हैं क्वेश्चन में वह छोटी से छोटी, स्मॉलेस्ट, छोटी से छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है, जो एक पूर्ण वर्ग है। अब पूर्ण वर्ग मतलब जब हम स्क्वायर वाला आपके लिए चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि किस तरह से परफेक्ट स्क्वायर निकाला जाता है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ 4 का वर्गमूल क्या होगा तो क्या होगा, 2 होगा। हम कहें 9 का वर्गमूल क्या होगा तो क्या होता है, 3 होता है। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। बात क्लियर हो गई। चलो तो ये है, मैं आपके लिए बताएंगे जब स्क्वायर वाला और क्यूब रूट वाला, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाला जब चैप्टर चलेगा तब बताने वाले हैं इसमें। अब देखो क्वेश्चन में कहा गया है ऐसी कौन सी संख्या है इन 4 ऑप्शन में से जिसे 6 से 8 से 15 से और 24 से भाग दें तो क्या है, वह विभाजित हो जाए, डिविजिबल हो जाए, कट जाए, ठीक है। और कंडीशन एक और रखी गई है कि क्या होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए,
ऐसी संख्या कौन सी होगी। तो ऑप्शन पहला मेथड ये है कि आप इन सभी से भाग करके देख लो, ठीक है, फिर जो संख्या आपकी कट जाएगी, ठीक है, 6 से 8 से 15 से 24 से, तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी आपकी, वो संख्या हो जाएगी। फिर उसके बाद में कहा गया है कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए, पर वो भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम कौन से मेथड से करें, कौन सा बेस्ट रहेगा, एक काम करते हैं, चलो पहला मेथड देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे करेंगे। मैं इसमें दोनों मेथड बनाने की कोशिश करूंगा। देखो फर्स्ट मेथड, देखो 6 से करके देखते हैं भाग हम इसके लिए, तो 6 जा, 6 5 जा और 6 8 जा और 6 2 जा, 3 जा, देखो 6 से ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ए वाला ऑप्शन क्या है बेटा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगर इन चारों में से किसी एक संख्या से, किसी एक नंबर से भी संख्या डिवाइड नहीं होती है तो वो समझ लो रॉन्ग हो जाएगा। कहा गया है कि चारों से होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका रॉन्ग है। चलो देख लेते हैं 36 के लिए, तो 36 को आप डिवाइड करोगे 6 से, तो कितना आ जाएगा, 6 6 जा, बिल्कुल कट रहा है, चलो 3600 के लिए हम कर लेते हैं 8 से, तो 8 4 32 कितना बचा, 4 8 5 40, बिल्कुल कट रहा है। 3600 के लिए अगर हम 15 से करेंगे, 15 9 30, 15 4 60, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। अब 36 के लिए करेंगे हम 24 से, 12 3 36 और 12 9 24, बिल्कुल कट रहा है, ठीक है। और ये क्या है संख्या, 3600 ऐसी संख्या है जो 6 से 8 से 15 से 24 से सभी नंबर से क्या हो रही है बेटा, डिवाइड हो रही है। और 3600 एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर भी है। इसका अगर स्क्वायर निकाला जाए तो स्क्वायर रूट निकाला जाए कितना आएगा, 60 आएगा इसका स्क्वायर रूट आएगा। बात क्लियर हो रही है, तो क्या है ये संख्या बिल्कुल सही है जो क्वेश्चन में कहा गया है उसके लिए, सारी कंडीशंस के लिए फुलफिल कर रही है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो मेथड वन आपका ये था, और मेथड नंबर टू देख लीजिए, उसे भी मैं समझा देता हूँ आपके लिए, सेकंड मेथड, इसे नोट कर लेना, बाद में क्लास एंड हो जाए, फ्री होकर थोड़ी देर बाद में आप जब टाइम मिले आपके लिए तो भाई नोट जरूर कर लें, इसके लिए साथ साथ में नोट करते हुए चलोगे तो समझ नहीं पाओगे, और समझ नहीं पाओगे तो क्वेश्चन भाई कर नहीं पाओगे, नोट भले को कॉपी में कितना भी कर लो, ठीक है। चलो अब देख लो, एक तरीका यह है, छोटी छोटी की बात की गई है, तो 6 8 15 और 24 इनका आप एलसीएम ले लो, एक मिनट, इनका बेटा आप एलसीएम ले लो, 2 3 6 2 4 8, ये एलसीएम तो सबको आता होगा, ठीक है, बता रखा है हमने, 5 4 20 30 60 120 120 आया इसका, 120 एलसीएम निकल कर आया। हमने इन चार संख्याओं से एक संख्या बना ली, अब क्या करना है, 120 से इसे भाग करके देखो, 120 से इसे भाग करके देखो, 120 से इसे भाग करके देखो, 120 से बी वाले ऑप्शन में भाग करके देखो, जो ऑप्शन आपका इस संख्या से डिवाइड हो जाएगा वो आपकी संख्या क्या हो जाएगी, जो आपसे पूछी गई है, कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि पूर्ण वर्ग संख्या निकालिए, ऐसी कौन संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। आप कुछ मत करना, 120 से इसमें भाग करके देखना 3500 में, आपका बिल्कुल नहीं कटेगा, शेषफल आएगा, शेषफल जिस संख्या में नहीं आता है वो कम्प्लीटली आपकी क्या है, डिवाइड हो जाती है, इट्स मीन्स, तो 120 से आप इसे करोगे 3600 के लिए, तो ये वाली संख्या आपकी सिर्फ एक संख्या ऐसी है बी वाली जो आपकी क्या हो जाएगी बेटा, डिवाइड हो जाएगी, इसीलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वाली भी नहीं होगी 120 से, ये वाली भी नहीं होने वाली है और ये वाली भी नहीं होने वाली है किसी भी कंडीशन में। बात क्लियर हो गई, आगे बढ़े, जल्दी से बताओ यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, जल्दी से भाई सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, सर बिल्कुल हमें कोई समस्या यहाँ तक नहीं है। चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 39, क्वेश्चन नंबर 39 बताओ भाई कौन कौन इस क्वेश्चन के लिए कर लेगा, जल्दी से भाई बताओ, कोशिश करो भाई करने की सभी बच्चे। और ये हमारा एग्जाम कॉर्नर का विगत वर्षों में पूछे हुए प्रश्न का आज लास्ट क्वेश्चन है, और कल आपका ये वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 क्या हो जाएगा बेटा, फिनिश मतलब खत्म हो जाएगा, तो 5 चैप्टर कल हमारे फिनिश हो जाएंगे,
ठीक है, तो हमने लगभग एक महीने के अंदर हमने कितने चैप्टर के लिए कंप्लीट कर लिया, 5 चैप्टर के लिए कंप्लीट कर लिया। देखो हमारा सिलेबस कितनी फास्टली चल रहा है और हमारा रिवीजन क्लास भी हो चुकी है, कितनी अच्छी बात है बेटा। हैं देखो 800 और 900 के बीच में आपसे पूछी गई है, कह रहे हैं इनके बीच में 800 और 900 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जो 12 से 16 से और 18 से पूर्णतया विभाजित हो, कंप्लीटली डिवाइड हो। तो ऑप्शन के लिए भी लिख लेते हैं बेटा, ऑप्शन है 864, बी ऑप्शन है 964, सी ऑप्शन है 1064 और डी ऑप्शन है 1164। ठीक है, अब सुनो, अब ध्यान से सुनना सभी बच्चे, क्वेश्चन में कहा गया है 800 और 900 के बीच फाइंड द नंबर बिटवीन 800 एंड 900। हमें 800, 800 और 900 के बिटवीन नंबर्स ऐसा कौन सा है वो हमें बताना है जो 12, 16 और 18 से क्या है, डिविजिबल है। बात क्लियर हो गई, 800 900 के बीच में हमें एक ऐसी संख्या बतानी है, इनमें से एक ऐसी संख्या होगी जो 12 से 16 से और 18 से क्या है, डिवाइड होती होगी, कंप्लीटली डिवाइड होती होगी, पूर्णतया विभाजित होती होगी, तो वो हमें संख्या निकालनी है। तो बात ये आती है, आप कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, तो देखो कैसे निकालना है आपके लिए, देखो इसके भी सेम दो मेथड हैं। अगर आपने पुराने क्वेश्चन को ना जो अभी हमने कराए हैं उन्हें देखा है, समझा है अच्छा से, तो भी सारे क्वेश्चन कर लोगे, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। दो मेथड बताता हूँ मैं, एक मेथड ऑप्शन से इससे करके देख लो सभी को डिवाइड, ठीक है ये मेथड, और दूसरा एलसीएम मेथड, एलसीएम से करके देख लो। अब सबसे पहली बात ये सुन लो कि ऑप्शन में हमें देखना है कि कौन सा 800 और 900 के बीच में है, 800 900 के बिटवीन है, बीच में होना चाहिए ना 800 से छोटा नंबर होना चाहिए ना 900 से आपका बड़ा नंबर होना चाहिए। बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई, जल्दी से बताओ आगे बढ़ें। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी बेटा क्या है, आपका पहले ही रॉन्ग हो रहा है, हमने क्वेश्चन नहीं किया और पहले ही देखो रॉन्ग कर दिया। बस दिमाग का खेल है, दिमाग लगाओगे तो सारे क्वेश्चन को आप आसानी से कर दोगे। अगर क्वेश्चन से जान पहचान अच्छे से कर ली तो बिल्कुल आपका आसान क्वेश्चन लगने लगेगा आपके लिए। देखो जान पहचान हमने कैसे करी, 800 और 900 के बीच में पूछी गई थी संख्या, तो यहाँ पर तो भाई 1064 आ रही है जो कि 900 से अप नंबर है, ज़्यादा नंबर है, तो भाई हमारा इसका काम ही नहीं है, हटाओ भाई, ख़त्म करो इसका खेल, कर दिया। चलो भाई, भाई ये कहाँ से आ गया, तुम भाई कहाँ से यहाँ दिखने लगे, काटो इसके लिए भी, भगाओ इसके लिए भी, भगा दिया हमें इन दोनों नंबर के लिए। अब क्या बचा आपके सामने, 864 और 964, चार लोग हैं, ठीक है, तो चार लोगों को मारना आसान होगा या दो लोगों को मारना आसान होगा। अगर चार लोग मैंने यहाँ खड़े कर दिए और दो लोग मैंने यहाँ खड़े कर दिए, मैंने कहा बेटा जाकर इन दोनों से लड़ाई करो, तो किसके लिए आप जल्दी मार दोगे, इन दो के लिए जल्दी मार दोगे, ये वाला आसान है मारना, और चार के लिए, चार लोगों को थोड़ा कठिन है मारना। बात क्लियर हो गई, इसी तरह से चार ऑप्शन में से हमने दो के लिए मार दिया, भाई पता लगा लिया, उनका खेल खत्म कर दिया, उनने उनसे कहा तुम कहाँ से आ गए, हटा दिया इसके लिए। उसके बाद में दो ऑप्शन बचे, अब हम इसमें देख लेते हैं, ठीक है। चलो अब भाई सारा फोकस आपका बोर्ड पर बना के रखो, देखो अब चीजें स्टार्ट होंगी आपकी। अब देखो 12 से भाग करके देख लेते हैं, भाग करके देख ले, इसमें आसान हो जाएगा, देखो ये भी आसान है, 12 से भाग करके देखो, तो 12 से अगर आप भाग करोगे तो कितना आएगा, ऐसा करते हैं एलसीएम से ही कर लेते हैं बेटा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा 3 बार कर 6 बार करना पड़ेगा, तो 12, 16 और 18, 2 × 12 और 2 × 16 और 2 × 18, जैसे जिसका जिस मेथड से मन करे उससे कर लो, आपको कोई समस्या नहीं है, बस आपका आंसर निकल के आना चाहिए। 2 × 4 = 12 × 48, 48 × 3 = 24, 3 × 12 और 2 × 14 144 आ रहा है बेटा, ठीक है 144 आ रहा है। अब 144 से इसमें डिवाइड करके देख लेते हैं, देख लेते भाई कौन सी संख्या आ जाएगी, छः से कर देख लेते हैं, 6 × 24, 6 × 24 = 26, 6 × 6 = 8,
देखो भाई डिवाइड हो रही है 144 से 864 क्या है डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जब ए वाला ऑप्शन सही हो गया तो ये वाला ऑप्शन आपका ऑलरेडी रॉन्ग हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमें एक ही ऑप्शन तो होगा, चार ऑप्शन में एक ऑप्शन होता है, तो ये वाला तो रॉन्ग हो गया। अगर आपको बिलीव नहीं तो भाई इसमें 144 से इसके लिए भाग करके देख लो, तो ये वाला आपका डिवाइड नहीं होगा किसी कंडीशन में। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ भी थम्सअप करके, सभी बच्चे थम्सअप करके एक बार बता देंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अभ्यास प्रश्नावली की तरफ। जल्दी से कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे कमेंट करके बता दें, सर बिल्कुल हमें क्लियर है, एकदम से क्लियर हो गया। तो हमारी एग्जाम कॉर्नर विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न बेटा क्या है, आज कंप्लीट हो चुके हैं चैप्टर नंबर 5 एलसीएम एंड एचएफ के। ठीक है, तो यहाँ तक क्लास सभी के लिए पसंद आई तो थम्सअप करके बता दो, जी सर एकदम से क्लियर है। आगे बढ़े, अभ्यास प्रश्नावली की ओर चलते हैं। अभ्यास प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन, जल्दी से आप सभी बच्चे बताएं ये क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। विगत वर्षों में पूछे हुए क्वेश्चंस को आपने सही से किया है, अच्छे से समझा है, तो भाई ये क्वेश्चन हलवा लगेंगे आपके लिए, क्योंकि भाई ये अब आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो विगत वर्षों में जो हमने क्वेश्चन कराए हैं उसी पैटर्न पर सभी क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आपने अगर विगत वर्षों के क्वेश्चन के लिए अच्छे समझ लिया होगा तो भाई बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक है, अभ्यास प्रश्नावली यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अभ्यास प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो बहुत आसान है, कराया है। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ अप टू नंबर्स आर 9 एंड 12 रिस्पेक्टिवली, इफ वन नंबर इज 6 इन 8 देन फाइंड द अदर नंबर। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दे रखा है और कह रहे हैं वन नंबर क्या है उन्हें दे रखा है क्वेश्चन में, तो अदर नंबर बताना है, मतलब दूसरा नंबर आपके लिए बताना है। ठीक है, बहुत आसान है, क्या बताया था, याद आ रहा है सभी बच्चों के लिए, क्या बताया था फार्मूला, किस किस को भाई याद है जल्दी से बताओ। दो संख्याओं का क्या रखा है, तो इसमें फार्मूला में बताया था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ बताया था, मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से भी कर लो। ठीक है, एक दो को ये इस तरह से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी मैंने बताया था लास्ट टाइम आपके लिए, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। मैंने लास्ट क्लास में आपके लिए ऐसे नहीं कराया था, मैंने बताया था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लासा गुणा मासा। ठीक है, बताया था ये फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है। अब क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन में जल्दी से देख लो, क्वेश्चन में आपके सामने दे रखा है दो संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम कितना दे रखा है बेटा, ये उल्टा हो गया है लग रहा है मुझे, क्योंकि आपका एलसीएम तो कभी बेटा कम नहीं आएगा एचसीएफ से, तो 12 होगा बेटा यहाँ पर एलसीएम। ठीक है, वो मैं सही कर दूंगा उसमें, यहाँ पर 9। ठीक, अब कह रहे हैं इसमें से फर्स्ट संख्या, पहली संख्या कितनी दे रखी है 6, तो कह रहे हैं सेकंड संख्या निकालो, तो जो संख्या पूछी जाती है उसके लिए ऐसे लिख लो। अब ये गुणा से कनेक्ट हैं, और गुणा से जब कनेक्ट हैं उस साइड पहुँचाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ये अपॉन में पहुँच जाएगा, तो 6 कम 6 6 दूनी 12, तो आपका कितना आ जाएगा 18, आंसर आ रहा है 18, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो एलसीएम कोई भी दो संख्याएं दे रखी हो, अगर उनका आप एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हो, तो एलसीएम ऑलवेज क्या होगा आपका, ग्रेटर होगा किससे, एचसीएफ से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, ए वाला बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर 2, इसके लिए बेटा आप अपने आप ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बहुत आसान है भाई। कल आपने कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं दिए थे, होमवर्क में जो क्वेश्चन दिए थे किसी ने दिए हैं, बहुत गलत बात है बेटा। देखो तो पढ़ाया जा रहा है, जो कहा जा रहा है उसके लिए नहीं करोगे तो भी फायदा नहीं मिलने वाला आपके लिए। कमेंट सेक्शन में कहा जा रहा है आंसर दो, तो आंसर दे दिया करो आपका, अगर आपका मन नहीं है तो कमेंट सेक्शन में कर दो सर मैं नहीं दूंगा, लिख दिया करो, क्या बात है भाई, पढ़ोगे नहीं तो क्या होगा भाई, होमवर्क दिया जा रहा है करो क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 अपने आप करना, क्वेश्चन नंबर 4 भी अपने आप करना, और क्वेश्चन नंबर 5 भी अपने आप करना, या करा दूं, करा दिया है दो लगातार विषम संख्याओं का
HCF पूछा जाए तो कितना आएगा, बताया था मैंने लास्ट क्लास में आपके लिए जब आपकी रिवीजन क्लास चल रही थी, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, सर बिल्कुल हमें समझ में नहीं आया सर, इसलिए नेक्स्ट क्लास में बता दीजिए तो बता दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दो लगातार समसंख्याओं का HCF, चलो कर लो कोई दिक्कत नहीं, इससे पहले वाला भी करा देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, दो लगातार विषम संख्याओं का HCF। तो देखो लगातार विषम संख्या कौन सी होती है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 यही तो होती है विषम संख्या जो दो से निकलती है। तो इसका कह रहे हैं HCF बताओ लगातार होनी चाहिए, चाहे कोई सी भी आप बटा लो लेकिन क्या होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। तो हम मान लो 1 और 3 को ले लेते हैं और इनका HCF पूछा गया है, तो HCF कैसे करोगे, 1 आ रहा है HCF, चलो हम 7 और 9 को ले लेते हैं, तो 7 से 9 के लिए भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 2, और 2 से करोगे 2 3 6 कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। हाँ 1 आएगा, 1 से करोगे 2 के लिए तो 1 2 2 आ जाएगा, ठीक है। 1 से करोगे 2 के लिए तो कितना आ जाएगा, 2। तो लगातार विषम संख्याओं का HCF बेटा कितना आता है, ऑलवेज आपका 1 आएगा, बात क्लियर हो गई, ठीक है। दो लगातार सम संख्याओं की बात की गई है, तो इसी तरह से इस वाले क्वेश्चन करोगे, 2, 4, 6, 8, 10 ही क्या होते हैं, सम संख्याएं होती है, इवन नंबर्स होते हैं, आपको क्या करना है लगातार विषम संख्याओं को लेना है, स्टार्टिंग की 2 संख्या को उठा लो, उनका HCF निकाल दो, जो आंसर आपका आ जाएगा वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा हटके है, लेकिन क्या है, आपने ये क्वेश्चन किया है लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा होगा कैसे किया है, कैसे किया है सर, चलो भाई बता देते हैं क्वेश्चन कैसे किया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है 2 × 2 × 3, ठीक है, और कह रहे हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है, ये दे रखा है। अब आपको ध्यान है क्वेश्चन में कहा गया है LCM क्या होगा, 2 × 2 × 3, 2 × 4 × 2 तो ये 3 × 5 सही है। अब देखो कैसे करोगे इसका LCM पूछा गया, हाँ LCM इसका कैसे करोगे, अब देखो सबसे पहले जैसे मान लो आपसे कहा जाता है 12 और 24 का क्या बताओ, लासा बताओ, तो हमने 2 मेथड से बताया था, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक क्या बताया था बेटा हमने डिवीजन मेथड, एक गुणनखंड विधि बताई थी और दूसरी बताई थी क्या हमने भाग विधि, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया है, क्वेश्चंस को सॉल्व किया है किससे, भाग विधि से, लेकिन ये वाला जो यहाँ पर फॉर्मेट दिख रहा है ये किसका है, फैक्टराइजेशन मेथड का है, गुणनखंड विधि का है। तो हम गुणनखंड विधि कैसे करते थे, एक संख्या यहाँ से ली इस तरह से करते थे, फिर हमने 2 × 2 × 3 लिख दिया, ठीक है, ये 12 का हो गया, और फिर 24 को लिया हमने, तो 2 × 12 = 2 × 6 = 2 = 3, तो 2 × 2 × 2 × 3 याद आ रहा है कुछ। सबसे पहली क्लास हमने ली थी, अगर आपने नहीं देखी है जाकर देख लो, बहुत डिटेल से इंट्रोडक्शन क्लास थी, सारे डाउट्स को मैंने क्लियर किया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है और बताया भी है किस तरह से यहाँ पर हम LCM HCF निकालेंगे। अगर मैं कहूँ इसमें LCM क्या होगा, ये संख्याएं उनने नहीं दी हैं क्वेश्चन में, और दे दिया है उनके फैक्टर दे दिए हैं, अब मैं पूछूं इसके LCM क्या होगा तो कैसे निकालोगे, इसके लिए भी मैंने बहुत अच्छे समझाया, इसीलिए बोल रहा हूं इस क्लास के बाद में आप जाइए चैनल पर विजिट करिएगा, प्लेलिस्ट में आपके लिए चैप्टर नंबर 5 पड़ा हुआ होगा, उसकी सबसे पहला पार्ट होगा, उसको जाकर देख लो, कोई समस्या नहीं आएगी, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे, आपसे कहा जाए LCM बताओ HCF बताओ कैसे करोगे, आइए इधर समझ लेते हैं। अब वो संख्या हमने 12 और 24 ली थी, उनके फैक्टर ये हैं, ऐसी ये वाले जो फैक्टर हैं ये किन्हीं संख्याओं के हैं, किसी न किसी संख्या के तो हैं फैक्टर हैं ये, तो किसी संख्या के जो फैक्टर हैं वो संख्या हमें नहीं दी गई है। अब पूछा गया है कि इसका LCM बताओ, अब कैसे निकालोगे, LCM क्या कहता है, LCM क्या कहेगा कि दोनों में जो कॉमन होगा उसे हम लेंगे, पहले कॉमन कॉमन वाले देख लो, ठीक है, कॉमन कॉमन क्या हो रहा है, तो हमने कॉमन लिख लिया 2 × 2 × 3 लिख लिया, समझ में आ गई, तो जो कॉमन वाले हैं वो भी हम लेंगे और जो कॉमन नहीं है, जो बेचारे सिंगल पर्सन हैं उनके लिए भी हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, बात क्लियर हो गई। तो अगर आप देखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन देखो यहाँ पर 3 हो गए, यहाँ पर 2 2 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे नंबर उनको साथ में लिख लो, इनके लिए पहले लिख लो, एक क्या हो जाएगा फिर थोड़ा सा
सही लगेगा दिखने में, असेंडिंग ऑर्डर में भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एलसीएम में क्या करना है आपके लिए, जो कॉमन वाले हैं दोनों में कॉमन है उनके लिए भी ले लो, और जो बेचारे सिंगल हैं उनके लिए भी साथ में लिख लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 है। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है बेटा आपका, HCF पूछा गया है। अब देखो HCF इसका कैसे निकालोगे, HCF क्या कहता है, कहता है मैं अगर मेरा HCF निकाल रहे हो भैया इस फैक्टर से, इस मेथड से, इस फैक्टर्स का आप अगर HCF निकाल रहे हो, तो भाई मैं उन्हीं नंबर्स को लेऊंगा, उन्हीं नंबर्स को सेलेक्ट करूंगा जो दोनों में कॉमन होने चाहिए। तो दोनों में कॉमन कौन से हैं, दो। HCF कहता है कि मैं उन्हीं नंबर्स को सेलेक्ट करूंगा जिसके, जिनमें दोनों में क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए, दोनों में उभयनिष्ठ होने चाहिए, इसके अलावा मैं किसी नंबर को अपने घर में आने की अनुमति नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये HCF का इलाका है, ये HCF वाला इलाका है, HCF का घर है ये। HCF बोलता है कि मैं उन्हीं नंबर को अपने घर में रखूंगा जो दोनों में कॉमन होंगे, तो 3 कॉमन है और 5 दोनों में कॉमन है, तो उन्होंने कहा भाई तुम भी ये घर में आ जाओ हमारे, फिर 7 क्या है, कॉमन है, ये इसके लिए भी घर में रख लिया। अब ये कह रहा है 11 मुझे भी रखो, तो कह रहा है ना भाई बिल्कुल मैं नहीं रखूंगा, क्योंकि क्या है तुम्हारा कॉमन नहीं है भाई, तुम्हारा जोड़ा नहीं है साथ में तुम्हारा, मैं नहीं रखने वाला। 2 कह रहा है सर हमें भी रख लो, HCF से कह रहा है सर हमें भी रख लो, कह रहा है ना बिल्कुल नहीं रखूंगा, मेरा भाई उसूल है, मेरा यही रूल है कि मैं उन्हीं को रखूंगा जो क्या है कॉमन होंगे। बात क्लियर है, समझ में आ गई। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आओगे आप कर दोगे यस और नो, जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से भाई जवाब दो सभी बच्चे। फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, एक बार मैं चेक कर लूँ आपका टाइम कितना हो चुका है, देखते हैं कितने क्वेश्चन बचे हैं, अगर हो जाए तो चलो एक काम करते हैं, टाइम बेटा आपका हो भी चुका है, ठीक है। तो भाई आज की क्लास में इतना ही कर लेते हैं, आज की क्लास में इतना ही कर लेते हैं। और सभी बच्चे जो पढ़ाया गया है, कितने क्वेश्चन कराया गया है, मैंने 8 क्वेश्चन इसे कराए हैं और 11-12 क्वेश्चन कराए हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लो जाके। और सभी बच्चे ध्यान से सुन लो, आपका संडे को टेस्ट होने के 95% चांस हैं। तो जो पढ़ाया गया है उसकी प्रैक्टिस कर लें, बार बार प्रैक्टिस कर लें, नंबर किसी के कम नहीं आने चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, हम डाउट सेशन आपके लिए भी दे देंगे। सब आप कमेंट किया करो, सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, चैप्टर नंबर 1 का 5 क्वेश्चन नहीं आया, चैप्टर नंबर 2 का, जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है एक लिस्ट तैयार कर लो अपनी, और आप व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर सकते हो, वहां पर हम आपके क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लेंगे। और डाउट सेशन आपका है जितने बच्चों का, सभी बच्चे आप मुझे व्हाट्सएप में पर्सनली मैसेज कर सकते हो। एक मैं आपके लिए इंस्टाग्राम आईडी भी शो करने वाला हूं, जिसमें क्या होगा व्हाट्सएप पे हो सकता है मैसेज आपके लिए ये वाला जो नंबर है हटा दिया जाए, ठीक है। तो सभी बच्चे क्या करना है, सभी बच्चों के लिए इंस्टाग्राम पर जब मैं आपके लिए आईडी बताऊंगा उसके लिए उस पर मैसेज करके बताना है जो जो डाउट है वो आपको क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ लो सभी बच्चे, और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ लो सभी बच्चे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो दे दिया गया है। तो आई होप आपके लिए क्लास पसंद आई होगी, तो पसंद आई हो तो भी क्लास को लाइक कर सकते हो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके और पर सेलेक्ट कर लो, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन शाम को 7 बजे पहुंच जाना चाहिए। और हाँ एक बार लास्ट में फिर बोल रहा हूँ, तैयारी करके आना, नंबर किसी के कम नहीं आने चाहिए। डिस्प्ले पर आपकी सारी लिस्ट लगाई जाएगी, कौन टॉपर है, सेकंड टॉपर कौन है, थर्ड टॉपर कौन है, और नीचे से टॉपर कौन है, सब यहाँ पर आपके लिए शो किया जाएगा, सभी लोग देखेंगे। इसीलिए अगर आप अपनी इज्जत रिस्पेक्ट बढ़ाना चाहते हो तो भाई मेहनत कर लेना, ठीक है। तो चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।